हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। खरखोदा में किसान यूनियन के सदस्य और किसान एकत्रित होकर तहसील कार्यालय में पहुंचे और नायब तहसीलदार अशोक कुमार से मिलकर मांग की है कि जिन खेतों में ओलावृष्टि हुई थी उनका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। पहले दस्तावेज दुरुस्त कराने की बात कही गई थी लेकिन इसके बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने इस बारे में जांच करा के कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जो किसानों को मुआवजा देने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि जो ये मुआवजा है सरकार की तरफ से बहुत पहले जारी हो चुका है। नाम भाई सुधीर कुमार है जी, मेरा नाम, मैं खंडा निवासी हूँ। मैं कई बार ओलावृष्टि के पैसे के लिए सोनीपत जा चुका हूँ, अब तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है। किसान को जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उस समय और अभी तक जो मुआवजा नहीं दिया गया है, ये इसमें सरकार की बहुत ही देरी है। और किसान जो आमदनी ही उसके खेती से होती है और ये तो बहुत बड़ा अन्याय है किसानों के साथ। जल्दी से जल्दी हमारा मुआवजा देना चाहिए वरना आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। हाँ सर, आपका क्या नाम है? भाई मेरा नाम राजकुमार है, सिसाना गांव है। मैं किसान प्रतिनिधि हूँ। मैं किसानों की मतलब हमेशा साथ रहने वाला आदमी हूँ। मैं तो भाई एक बात कहता हूँ सरकार से, जैसे हमारे राणा साहब है, हमारे किसान नेता, इन्होंने बताया है ओलावृष्टि के बारे में काफी सारा। भाई हमारे भाई बस्तीराम ने बताया है, देवेंद्र जी ने बताया है, काफी सारी बातें इन्हें बताई है, सारी सच्चाई है। मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार से कि मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आपने किसान का अगर कुछ नहीं देना ना मत दो, हम अपने आप को मानेंगे। आप मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप झूठी घोषणा मत करो। अगर कोई घोषणा करते हो तो आप उसको किसान गए, हर गरीब, हर कोई किसी भी तरह का किसान है उसके खाते में पैसे डालो ताकि वो किसान तरह तरह के धक्के ना खावे अपनी। दूसरी बात भाई, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, अब कल का ही हरियाणा न्यूज में मैं शाम को एक चैनल पर देख रहा था, किशन बेदी जी जो हमारे इसमें बीजेपी के जो मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं भाई पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक एक दाना DAP का किसान के पास पहुंचा है। मैं उससे ये बात कहना चाहता हूं ये आपके मीडिया के माध्यम से, भाई हमारा खरखोदा क्षेत्र है, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, खरखोदा क्षेत्र में सिसाना गांव है मेरा, उसमें मेरे अपने आईडीएस और मैं भी उसमें शामिल हूं, 70% आदमियों के किसानों के पास DAP नहीं आया। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप सीधी कह दो भाई हमने इतना खाता आधार इतना दे दिया, हमने कोई करना सकवा नहीं है। आप झूठ मत बोलो, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कोई घोषणा करनी है, अगर किसान की सच्चाई माँ पे देसी हो तो आप वही घोषणा करो जो किसान की मतलब पूरी कर सकते हो। अब कोई भी चीज है, किसी भी चीज का कोई समय आता है, कोई भी तैयारी करनी पड़ती है, किसान अपनी फसल बोता है तो 2 महीने पहले अपनी उसको जमीन को जोतने शुरू कर देता है वो। भाई सरकार ने भी पता है भाई आज या 2 महीने बाद गेहूं बोएंगे किसान है, उसका 3 महीने पहले आप उसका क्यों नहीं तैयारी करते भाई, इनको DAP चाहिएगा। इसी तरीके से नहरों का सिस्टम है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, नहरों के मामले में हमारा एक 8 नंबर ड्रेन है सिसाना के पास है भाई। ये जो पलड़ा मुख्यमंत्री था खट्टर साहब है, उन्होंने CM घोषणा थी, ये आज तक उसके ऊपर जो कुत्ते मुतने लग रहे हैं, अगर वो चल रहा हो तो मैं झूठा था, मेरे को गिरफ्तार करो यार खरखोदे के अंदर आने का। अगर हम झूठे नहीं है तो उसको चालू करो, हमारी नहर में टैल तक पानी पहुंचाओ, अखबार में कह देते हैं टैल तक पानी जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है जी, आप जो भी कहना चाहते हो आप जो झूठी घोषणा मत करो, सच्ची करो। जय किसान जय भारत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषिकेश दैया है, गांव रोना है। आज जो ये ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हुई थी उसको लेके मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया है और उसमें नायब तहसीलदार को ये ज्ञापन दिया गया है और उसमें मेन चीज हमारी यही थी कि कुछ कमी रहेगी जिस फैमिली ID और खाते में, किसी में जैसे किसी का नाम मनोज है तो उसमें खाते मनोज कुमार है तो वो भी ठीक करवा दी थे किसानों ने। उसके बाद लगभग दूसरी बुआई होगी या गेहूं की, लेकिन उन किसानों ने जिन्होंने ठीक करवाए थे उनके पैसे आज तक नहीं मिले, उसी को लेके ज्ञापन दिया गया था मुख्यमंत्री के नाम। और हम ये सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी जल्दी किसानों का जो मुआवजा बनता है वो दिया जाए। ओलावृष्टि के मामले पर लिपा पोती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। सभी किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। मुआवजे में लेट लतीफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओलावृष्टि का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। ओलावृष्टि का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। खरखोदा क्षेत्र के किसान प्रतिनिधि
आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार को ओलावृष्टि जो 2 मार्च को हुई थी उसके नुकसान की जो मुआवजा है उस मुआवजे को लेकर के आज एक बार फिर मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन सौंपा है। 2